हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AA08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्थिव गोगोई लिस्टन कोलासो और नेस्टर एल्बियास गुवाहाटी कब आएगा, साथ ही साथ डुरान कप 2020 ठीक का क्वार्टर फाइनल के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यस्तार हामिद के बारे में। गाइस, आप लोग सभी जानते ही है कि कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पैलेस्टाइन की नेशनल प्लेयर यस्तार हामिद को साइन किया था और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं यस्तार हामिद इंडिया कब आएगा गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी कब आएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ट्रेनिंग पर कब ज्वाइन करेगा, ऐसा कोई सवाल आ रहे थे। इसलिए मैं बता देता हूँ कि गाइस, यस्तार हामिद के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली मतलब कोई अपडेट ही नहीं है। यस्तार हामिद अब गुवाहाटी में नहीं आया है और शायद कुछ प्रॉब्लम के वजह से यस्तार हामिद गुवाहाटी पर नहीं आया है। अभी तक यस्तार हामिद के ऊपर कोई खबर नहीं है। जब यस्तार हामिद गुवाहाटी में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ट्रेनिंग में ज्वाइन करेगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट अपडेट, 2023 डुरान कप का क्वार्टर फाइनल कल का मैच था एफसी गोवा वर्सेस चेन्नई एफसी के बीच। और गाइस, चेन्नई एफसी ने भी कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन एफसी गोवा ने चेन्नई एफसी को 4-1 स्कोर लाइन से हरा के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल एफसी गोवा के द्वारा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत ही अच्छी गेम्स देखने को मिला। चेन्नई एफसी ने 5 मिनट में ही एक शानदार गोल से स्टार्टिंग किया था, लेकिन एफसी गोवा ने कमबैक किया और 4-1 स्कोर लाइन से चेन्नई एफसी के साथ जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट अपडेट लिस्टन कोलासो और इसके बाद बात करूंगा पार्थिव गोगोई के बारे में। गाइस, बहुत दिन पहले से ही एक खबर सामने आ रहा था कि उड़ीसा एफसी ने लिस्टन कोलासो को साइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है और उड़ीसा एफसी ने लिस्टन कोलासो को साइन करने के लिए ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन लिस्टन कोलासो मोहन बागान सुपर जायंट के लिए खेल रहे हैं और मोहन बागान सुपर जायंट लिस्टन कोलासो को रिलीज नहीं करेगा। ये कन्फर्म हो गया है कि लिस्टन कोलासो अब उड़ीसा एफसी में नहीं आएगा। उड़ीसा एफसी को किसी अदर प्लेयर पर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। यह मोहन बागान सुपर जायंट के लिए भी बहुत अच्छी है कि लिस्टन कोलासो को रिलीज नहीं करेगा। लिस्टन कोलासो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये मोहन बागान सुपर जायंट के लिए बहुत ही अच्छी डिसीजन है। नेक्स्ट अपडेट पार्थिव गोगोई के ऊपर, बहुत सारे लोग मतलब सारे लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि पार्थिव गोगोई कहाँ पे है, ट्रेनिंग कर रहा है या नहीं, नेक्स्ट मैच खेलेगा या नहीं, पिछले मैच में क्यों नहीं खेला, ऐसी कोई कमेंट आ रहा है पार्थिव गोगोई के ऊपर। 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि पार्थिव गोगोई इंडिया अंडर 23 2024 का एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो गया है और क्वालिफाई होने के बाद पार्थिव गोगोई सिलेक्ट होने के बाद पिछली मैच में पार्थिव गोगोई नहीं खेला था। और ये बता देता हूँ कि पार्थिव गोगोई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से चला गया है। पार्थिव गोगोई के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डील एंड नहीं हुआ है, लेकिन पार्थिव गोगोई इंडिया अंडर 23 टीम के लिए सिलेक्ट हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जाना पड़ा इंडियन अंडर 23 प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए लास्ट मैच में पार्थिव गोगोई ने नहीं खेला था। और एक बात बता देता हूँ कि मुझे ऐसा एक खबर मिला है कि पार्थिव गोगोई उड़ीसा में चला गया है अंडर 23 इंडिया अंडर 23 का कैंप में चला गया है। उड़ीसा में इंडिया अंडर 23 का कैंप चल रहा है, इसीलिए पार्थिव गोगोई अवेलेबल नहीं है। और सेमीफाइनल जो 29 अगस्त को ईस्ट बंगाल एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच मैच है, इस मैच में भी पार्थिव गोगोई अवेलेबल नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय आए अहोम, वंदे मातरम। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं।